दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन क्रिकेटर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में विराट कोहली से उनकी T20 और वनडे की कप्तानी छीन ली गई है, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है और खबरें आने लगी थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में कप्तानी को लेकर तकरार चल रही है। लेकिन इसका खुलासा सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ने कर दिया कि उनके और रोहित शर्मा के बीच में कोई विवाद नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरीकों से बयान दिया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि BCCI और विराट कोहली के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसके बाद धोनी ने विराट कोहली को दोबारा कप्तान बनाने को लेकर हैरान कर देने वाला बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में से किसकी कप्तानी में भारतीय टीम में ज्यादा सुधार आया है, नीचे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम हाल ही में साउथ अफ्रीका दौरे के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है। वहां पर साउथ अफ्रीका की टीम के साथ भारत को 3 वनडे और 3 टेस्ट मैचों की खेलनी है, जो कि पहले 17 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली थी। लेकिन कोरोना के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण यह सीरीज अब 26 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली है। भारतीय टीम 16 दिसंबर को साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है और उन्होंने वहां पर तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन भारतीय टीम के चल रहे विवाद को देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली की कप्तानी को लेकर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि विराट कोहली के आंकड़े बेशक खराब है, लेकिन विराट कोहली बेहतरीन कप्तान है। उन्होंने दोबारा से कप्तानी मिलनी चाहिए, जिससे BCCI मैनेजमेंट और विराट कोहली के बीच में जो विवाद है वो भी खत्म हो जाएगा। इस बात को सोचते हुए BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली इस विवाद को खत्म कर सकते हैं। विराट कोहली एक मुख्य खिलाड़ी हैं, जिनका टीम में होना बहुत जरूरी है और उनके होने से टीम ज्यादा ताकतवर दिखाई देती है और उनका होना टीम में एक सीनियर खिलाड़ी की कमी को पूरा भी कर देता है। मुझे विराट कोहली में टीम को अच्छी तरीके से संभालने की काबिलियत दिखती है। मैं विराट कोहली से ये भी कहना चाहूंगा कि आगे से आप इतना अग्रेशन न दिखाएं। बेशक आपका रवैया सबको पसंद है, लेकिन कभी कभी आपका ये रवैया आपकी टीम के प्रदर्शन को नीचे गिरा देता है। आपकी टीम के कई खिलाड़ी आपकी शिकायत भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि सौरव गांगुली ने हाल ही में बयान दिया था कि विराट कोहली का रवैया मुझे पसंद है, लेकिन वो झगड़ा बहुत करते हैं। इस बयान से साफ स्पष्ट होता है कि विराट कोहली और BCCI के बीच जो भी तकरार थी वो खत्म होने वाली है और विराट कोहली को दोबारा से कप्तानी दी जा सकती है। विराट ने 95 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की है और 65 में टीम इंडिया को जीत दिलाई है और वहीं 27 में उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपनी कप्तानी में 70.43% मैच जीते हैं और T20 में विराट ने 50 मैचों में भारत की कप्तानी की है। इसमें से 30 मैच में भारत जीता है, जबकि 16 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। 2 मैच टाई रहे हैं और 2 का कोई नतीजा नहीं निकला है। दोनों टाई मैच भी भारत ने सुपर ओवर में जीते थे। हालांकि अब तक कप्तान के रूप में कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाए हैं। उन्होंने आखिरी बार अपनी कप्तानी में ICC U19 वर्ल्ड कप जीता था। 2017 में विराट ने तीनों फॉर्मेट में भारत की कप्तानी संभाली थी। इसके बाद से भारत ने अब तक 4 ICC टूर्नामेंट खेले हैं, किसी में भी भारतीय टीम ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। सबसे पहले 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फाइनल में पाकिस्तान के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद 2019 वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में हार गई थी। 2021 में भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचा था, लेकिन यहां भी न्यूजीलैंड से भारत हार गया। वहीं 2021 T20 वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका था और ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था। सभी प्रारूपों में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी 332 मैचों के साथ पहले नंबर पर हैं। विराट कोहली 209 मैचों में कप्तानी के साथ 8वें नंबर पर है, लेकिन दूसरे नंबर पर मौजूदा रिकी पोंटिंग को छोड़ दें तो विराट कोहली की कप्तानी का जीत और हार का प्रतिशत सबसे बेहतर है। उनकी जीत का प्रतिशत 63.15 है और हार का 28.22 है। धोनी की जीत का प्रतिशत 53.61 है और हार का प्रतिशत 36.14 है। विराट के ऊपर 67.09 और 23.76 जीत प्रतिशत के साथ रिकी पोंटिंग ही है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली को भारतीय टीम की वनडे की कप्तानी दोबारा मिलनी चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।